फोर्स और प्रेशर के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे, डिस्कस करेंगे। पहला है, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ सिचुएशंस इन विच यू आर पुश और पुल टू चेंज स्टेट ऑफ मोशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। दो एग्जांपल ऐसे बताइए जहां पर आप पुश या पुल ये स्टेट चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट का। तो जैसे अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो, बॉल आपके पास आए और आप उसमें बल्ला लगाते हैं, इसी तरीके से बॉल आपके पास आ रही है फुटबॉल में, आप पैर से उसे मारते हैं, तो ये जो है सिचुएशन ऐसी बनती है कि आप स्टेट चेंज कर रहे हैं, मूविंग स्टेट को आप किसी और मूविंग स्टेट में ले जा रहे हैं। तो ये पुश और पुल के एग्जांपल दे सकते हैं और भी बन सकते हैं इसमें। अगला है, गिव टू एग्जांपल ऑफ सिचुएशन इन विच फोर्स कॉजेज अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर शेप तो नहीं चेंज होता, यहाँ तो कोर्स चेंज होता है, मोशन चेंज होता है। यहाँ पर आपको सवाल जो पूछा जा रहा है वो ये है कि आपके पास जो जो भी वस्तु है उसका शेप चेंज कर रहे हैं। तो पहली चीज तो ये है कि स्ट्रेचिंग अ रबर बेल्ट, एक रबर बेल्ट लीजिए, उसको खींचिए आप, है ना, इस तरीके से आप प्लाइडो ले लीजिए या फिर क्ले ले लीजिए, उससे टॉयज बनाते हैं, ये भी एक शेप चेंज का एग्जाम्पल है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू डैश एट द रोप, मींस वी हैव टू पुल द रोप, मतलब आपको खींचना पड़ता है। अ चार्ज बॉडी डैश एन अनचार्ज बॉडी टूवर्ड्स इट। चार्ज बॉडी हमेशा अट्रैक्ट करती है अनचार्ज बॉडी को अपनी तरफ। टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू पुल इट, वी हैव टू, यहाँ पर आएगा इस जगह पे पुल आएगा, सॉरी पुश आएगा, पुश इट, पुल तो यहाँ रोप के लिए हो गया, वी हैव टू पुश इट, हम अब एक ट्रॉली को धक्का देंगे, उसको पुश करेंगे तो वो आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट है, द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट डैश द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। तो जो नॉर्थ पोल है मैग्नेट का वो रिपेल करता है नॉर्थ पोल, क्यों, क्योंकि जो सेम जिनकी जैसे प्लस प्लस है, सेम साइन जिनका होता है वो आपस में रिपेल करते हैं, जो अलग अलग साइन है वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। अगला है, आर्चर यानी कि तीरंदाज स्ट्रेचेस हर बो वाइल taking aim at the target. She then releases the arrow which begin to move towards the target. Based on the information, fill up the gaps in the following statement using the following terms. अब एक निशानेबाज है और वो उन्होंने लिया तीर कमान और उन्होंने छोड़ा, मैडम ने छोड़ा। अब कुछ चीजें हैं इसमें जो यहाँ पे शब्द हैं उनके हिसाब से आपको इसको भरना है। यहाँ पर पहला है, to stretch the bow, the archer applies a force that causes a change in its shape. आपने देखा होगा इस तरीके से अगर है, जब आप उसको खींचते हैं तो वो कुछ इस तरीके से बन जाता है, वो इसका मतलब shape change हो रहा है। अगला है, the force applied by the archer to stretch the bow is an example of dash force. इसको हम कहते हैं contact force, ये इसका उत्तर है। यहाँ से ये वाला उत्तर लेंगे, ये वाला। The type of force responsible for a change in the state of motion of the arrow is an example of, क्या है ये, है आपका muscular force, क्योंकि आप देखिएगा कि जो आर्चर है वो अपने हाथों से इसको इस तरीके से खींचते हैं, यहाँ पर लगाते हैं बो, यानी कि जो तीर है उसको यूं खींचते हैं, तब ये टेढ़ा भी होता है और ये जो muscular force है वो लगा रही है। नेक्स्ट है, while the arrow move towards its target, the forces acting on it are due to dash and the due of dash. तो जो एरो आगे बढ़ता है, एक तो आपने जो उस पर फोर्स लगाया है वो तो है ही, और उसके साथ आप ग्रेविटी देखिएगा, क्योंकि आगे जाके क्या होता है, वो इस तरीके से गिरता है ना, गिर जाता है, ऐसे चलता तो रहता नहीं, तो ग्रेविटी है और फ्रिक्शन है, जिसकी जो फ्रिक्शन है वो हवा के फ्रिक्शन से आगे बढ़ता है, वो उसे कभी ऊपर करती है कभी नीचे करती है। अगला है, इन द फॉलोइंग सिचुएशन आइडेंटिफाई द एजेंट एग्जर्टिंग द फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स, स्टेट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इन ईच केस। पहली चीज ये है कि स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस। एजेंट इसमें हमारे हाथ की उंगलियां हैं, ऑब्जेक्ट जिसे हम दबा रहे हैं वो है लेमन या नींबू, और इफेक्ट ये है कि उससे अगर आप दबाएंगे तो जूस निकल के आएगा। अगला है, टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम अ टूथपेस्ट। इसमें भी फिंगर्स है और टूथपेस्ट ट्यूब आपका ऑब्जेक्ट है, इसमें जैसी फोर्स लगाते हैं तो टूथपेस्ट निकल के आता है। नेक्स्ट आपका है, अ लोड सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग वाइल इट्स अदर एंड इज ऑन अ हुक फिक्स्ड टू अ वॉल। तो इसमें लोड एक एजेंट है आपका, दूसरा जो
ऑब्जेक्ट है भाई स्प्रिंग, और इसमें इफेक्ट ये हो रहा है कि स्प्रिंग एक्सपैंड हो रही है, खिंच रही है। फिर है एन एथलीट मेकिंग अ हाई जंप टू क्लियर द बार एट अ सर्टेन हाइट। तो एक एथलीट है वो हाई जंप अपना लगा रहे हैं ताकि बार को क्लियर कर सके सर्टेन हाइट पे, कोई एक हाइट पे है। इसमें एथलीट जो एजेंट हो गया, ऑब्जेक्ट एथलीट की बॉडी हो गई, क्योंकि वो अपनी बॉडी को ही उछाल रहे हैं। और इफेक्ट ये होगा कि यहाँ पर जैसे एथलीट है और ये बार लगा हुआ है, इस पर कूद के ये क्रॉस करेंगे, तो एथलीट जंप ओवर द बार, ये इफेक्ट होगा। अ ब्लैक स्मिथ हैमर्स अ हॉट पीस ऑफ आयरन वाइल मेकिंग अ टूल, हाउ डज द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग इफेक्ट द पीस ऑफ आयरन। अब ब्लैक स्मिथ है जो अपना हथौड़ा लेते हैं और हॉट पीस लाल आयरन को वो पीटते हैं ताकि कुछ बना सके उसमें। तो हाउ डज द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग इफेक्ट द पीस ऑफ, जो फोर्स आप लगा रहे हैं हैमरिंग से वो क्या इफेक्ट करता है, जो फोर्स इसका शेप चेंज करता है जब आप पीटते हैं, क्योंकि लाल होता है यानी गर्म होता है, वो इस अवस्था में आ जाता है कि अपना शेप चेंज करने की अवस्था में आ जाता है, तब आप उसको पीटते हैं। अगला है एन इन्फ्लेशन बलून वॉज प्रेस्ड अगेंस्ट अ वॉल आफ्टर इट हैज बिन रब्ड विद अ पीस ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ, इट वॉज फाउंड दैट द बलून स्टिक्स टू द वॉल, वॉट फोर्स माइट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन द बलून एंड द वॉल। ध्यान रखिएगा इसमें सवाल ये है कि आपने क्या किया कि एक बलून लिया, उसको जरा रब कर दिया किससे, सिंथेटिक क्लॉथ से, और आपने देखा कि बलून जो है वो जाके चिपक गया आपके वॉल में, कैसे हुआ ये। इसको हम कहते हैं कि इसका जो नाम है वो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए इसमें इलेक्ट्रिक भी आ गया, स्टैटिक भी आ गया, फोर्स भी आ गया, तो जो बॉल और वॉल के बीच में एक अट्रैक्शन कह सकते थे आप, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। जैसे ही आप इस बलून को लेते हैं और सिंथेटिक क्लोथ से यहाँ रब करते हैं इसको, तो ये चार्ज हो जाता है, ठीक है, ये चार्ज हो जाता है। और जब इसको हम वॉल के करीब ले जाते हैं, मान लीजिए ये वॉल है, तो ये जो चार्ज वॉल है, अब अगर ये चार्ज है तो ये ऑफकोर्स एक जो चार्ज है वो अनचार्ज की तरफ खींचता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि ये कोशिश करते हैं कि यहाँ पर चार्ज मटेरियल वहाँ ट्रांसफर हो सके, इसलिए इसको ये दोनों चिपक जाते हैं, और इस तरीके से ये इसको चार्ज करने की कोशिश करता है, तो ये आपको आपस में चिपके हुए या अट्रैक्टेड नजर आते हैं। नेम द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर हेल्ड अबव ग्राउंड लेवल इन योर हैंड, डिस्कस व्हाई द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। सवाल ये है कि आपको फोर्सेस बताने हैं जो प्लास्टिक बकेट पे लग रहे हैं जिसमें पानी है और जो आपके हाथों से आपने पकड़ रखी है, और एक और भी चीज़ बतानी है कि जो क्यों जो फोर्स एक्ट हो रही है बकेट पे, वो कोई चेंज उसकी जो मोशन की स्टेट है उस पर नहीं ला पाते। पहली चीज़ तो ये समझिएगा कि जो फोर्स इस पर काम कर रहे हैं प्लास्टिक बकेट पे, उसको हम कह रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स और मस्कुलर फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये आपका, एक तो हमेशा कोई भी चीज़ जैसे ये बाल्टी है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, जमीन की तरफ लगेगा। मस्कुलर फोर्स ये हम अपने हाथों से लगा रहे हैं, इस बाल्टी को हम उठाने के लिए लगा रहे हैं अपर डायरेक्शन में। तो ये जो फोर्सेस हैं ये दोनों लग रहे हैं, लेकिन ये इस बाल्टी को क्यों नहीं चेंज कर पा रहे हैं, क्योंकि जितनी ग्रेविटी अगर लग रही है उतना ही आपने यहाँ फोर्स लगा रखा है, यानी कि ये दोनों नलीफाई हो गए इसलिए अपनी जगह पे है। यानी जो दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं वो बैलेंस कर रहे हैं दूसरे को, तो नेट फोर्स जो है वो जीरो हो जा रहा है, यानी एफ इस तरफ और माइनस एफ इस तरफ, दोनों को जोड़ेंगे तो जीरो आएगा, इस तरीके से समझिए इसको। रॉकेट हैज बीन फायर्ड अपवर्ड्स टू लॉन्च अ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट, नेम द टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन द रॉकेट इमीडिएटली आफ्टर लीविंग द लॉन्चिंग पैड। रॉकेट को फायर किया गया टू लॉन्च अ मतलब सैटेलाइट रॉकेट में रख के उसको ऑर्बिट के लिए छोड़ा गया, लॉन्च किया गया। आपको दो फोर्सेस बताने हैं जो इस रॉकेट पे लगेंगे जैसे ही उसने लॉन्चिंग पैड को छोड़ा, रॉकेट ने लॉन्चिंग पैड को छोड़ा, तो जो दो फोर्स इस पे काम कर रहे हैं, एक तो फ्रिक्शनल फोर्स है एयर का कारण, क्योंकि उसे फ्रिक्शनल तो हमेशा ही लगता है, और जो ग्रेविटी है जो इसको नीचे की तरफ खींच रही है, बाकी अंदर प्रोपेलेंट है जो इसको आगे बढ़ा रहा है वो अलग बात है। व्हेन वी प्रेस द बल्ब ऑफ अ ड्रॉपर with its nozzle kept in water, air in the dropper is seen to escape in form of bubbles. Once we release the pressure on the bulb,
water gets filled in the dropper. The rise of the water in the dropper is due to. होता यह है कि जैसे मान लीजिए एक ड्रॉपर है, इस तरीके से कुछ होता है, इसको आप इस तरीके से दबाएंगे, जैसे दबाएंगे तो अगर तो जैसे अगर इसको पानी में रखा आपने, तो पानी में जैसे ही रखा आपने जिसको दबाएंगे तो आप देखेंगे बबल निकलेगा, फिर आप जैसे ही इसको छोड़ देंगे तो ये जो पानी है वो इसके अंदर चला जाएगा। तो सवाल ये है कि जो राइज हो रहा है वाटर का ड्रॉपर में, वो किस कारण से हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे आप यहाँ पर आपने क्या किया, इस जैसे दबाया इसको तो प्रेशर हुआ, अब इस जैसे ही आपने इसको छोड़ा तो इस प्रेशर को बराबर करने के लिए पानी अंदर घुसेगा, इस प्रेशर को बराबर करने के।